नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। सीबीटी परीक्षा का जो थर्ड फेज है वो आप सभी को पता है कि 25 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में है और इस फेज़ में जो है सीबीटी परीक्षा का ये लास्ट फेज है और इस फेज का भी जो है लिस्ट, जो ट्रेनी कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उत्तर प्रदेश के, उसकी लिस्ट आ गई है और पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको पहले बता दे रहा हूँ, लगभग 1,49,498 जो है छात्र सम्मिलित हैं और ये जो परीक्षा की जो है वो लास्ट फेज है। इसमें उन छात्रों को भी सम्मिलित किया गया है जिसका एग्ज़ाम 8 जो है अगस्त को था और एग्ज़ाम जो है परीक्षा ना खुलने के कारण, पर ना खुलने के कारण, टेक्निकल इशू के कारण कैंसिल हो गया था, वो भी एग्जाम इसी में है। और जिन छात्रों का अगर एग्जाम कैंसिल हुआ है उसकी जो है एक लिस्ट आ गई है, मैंने आपको लिस्ट दिखा दी है। किसी ने वीडियो ना देखा हो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के प्ले लिस्ट में एनसीबीटी एग्जाम अपडेट के नाम से प्ले लिस्ट है, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा और आप अपने कॉलेज में भी संपर्क कर सकते हैं, वहां पर भी जो है अपडेट आ चुकी है। आशा करते हैं कि आप लोग जिनकी परीक्षा रीशेड्यूल हुई है, कैंसिल हुई है, फिर से जो कब है परीक्षा उसका शेड्यूल जो है वो मेरे चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। अगर नहीं डाउनलोड हो पा रहा है किसी कारण से तो आप लोग जो है उसको अपने आईटीआई से कंफर्म कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं जो थर्ड फेज का एग्जाम है, यहां पर फिल्टर लगा देता हूं थोड़ा सा, आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 सितंबर, मतलब 25 से लेके और 30 अगस्त तक है और 1 सितंबर को, इतने जो दिन हैं उनमें एग्ज़ाम है और ये पूरी लिस्ट है उत्तर प्रदेश की, सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। यहाँ पर आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश की लिस्ट है और यहाँ पर आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हैं। तो ऐसे आपको ये पूरी लिस्ट आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप लोग इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे, इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पर लिखा होगा सीबीटी एग्जाम थर्ड फेस्ट ट्रेनी लिस्ट, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे आपकी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। लिस्ट मैं पहले भी बता रहा हूँ ऐसे नहीं खुलेगी, लिस्ट के लिए आपको ऑफिस रीडर या फिर एक्सेल रीडर डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से पहले ही डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि सिर्फ इसी के लिए नहीं बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी खोलने के लिए आपको मदद करेगा। वो ऑफिस रीडर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जो है आप लोग जब खोलेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे ही आ जाएगा। अब 1,64,000 स्टूडेंट हैं इसमें, तो आप लोग अपना रोल नंबर क्या 1,64,000 में देखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर 1,64,000 स्टूडेंट हैं तो आप अपना रोल नंबर यहाँ जो है सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर टाइप कर देंगे जो भी आपका रोल नंबर होगा। फिर उसके बाद जो है आप लोग या तो यहाँ सर्च पर क्लिक कर सकते हैं ये कीबोर्ड वाले पे, नहीं तो यहाँ एक सर्च आएगा इस पर आप लोग जो है वो क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा, अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो आप लोग उसके आगे देख लीजिएगा। जैसे ये रोल नंबर की मैं बात करता हूँ, इस वाले रोल नंबर की बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि ये 25 तारीख को 9 से 11 वाले में एग्ज़ाम है, हिंदी इंग्लिश में एग्ज़ाम आएगा और इसका जो है एग्ज़ाम सेंटर वगैरह भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है देख लीजिएगा, वैसे तो आपको देखना आता होगा मगर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आशा करते हैं ये लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करने की आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।